अग्रसेन की बावली एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है जो नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास स्थित है। इस बावड़ी में सीढ़ी नुमा कुएं में करीब 105 सीढ़ियां हैं। 14th शताब्दी में महाराजा अग्रसेन ने इसे बनाया था। सन 2012 में भारतीय डाक अग्रसेन की बावड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। इस बावड़ी का निर्माण लाल बलुए पत्थर से हुआ है। अनगढ़ तथा गड़े हुए पत्थर से यह दिल्ली की बेहतरीन बावलियों में से एक है। करीब 60 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची इस बावली के बारे में विश्वास है कि महाभारत काल में इसका निर्माण कराया गया था। बाद में अग्रवाल समाज ने इस बावड़ी का जीर्णोद्धार किया। यह दिल्ली की उन गिनी चुनी बावड़ियों में से एक है जो अभी भी अच्छी स्थिति में है। जंतर मंतर के निकट हेली रोड पर यह बावड़ी मौजूद है। यहाँ पर नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के लोग कभी तैराकी सीखने के लिए आया करते थे। बावड़ी की स्थापत्य शैली उत्तरकालीन तुगलक तथा लोदी काल से मेल खाती है। लाल बलुए पत्थर से बनी इस बावड़ी की वास्तु संबंधी विशेषताएं तुगलक और लोदी काल की तरफ संकेत कर रहे हैं, लेकिन इस परंपरा के अनुसार इसे अग्रहरि एवं अग्रवाल समाज के पूर्वज अग्रसेन ने बनवाया था। इमारत की मुख्य विशेषता है कि यह उत्तर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर लंबी तथा भूतल पर 15 मीटर चौड़ी है। पश्चिम की ओर 3 प्रवेश द्वार युक्त एक मस्जिद है। यह एक ठोस ऊंचे चबूतरे पर किनारों की भूमिगत दालानों से युक्त है। इसके स्थापत्य में वेल मछली की पीठ के समान छत, चैत्य आकृति की नक्काशी युक्त 4 खंभों का संयुक्त स्तंभ, चाप स्कंद में प्रयुक्त पदक अलंकरण इसको विशेषता प्रदान करता है। धन्यवाद। पीछे से थोड़ा साइड हट जाइए, थोड़ा सा साइड, बस थोड़ा सा। अरे ज्यादा आगे नहीं जाने का। अरे कहाँ है? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।